हल दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर करें किकेस करतेटिफिकेशन को मिलते रहे बीस आई बैंक प्रमोशन के संबंध से हमने यहाँ बात कर को बैंक का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क से ऑफिसर का क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे यूको बैंक का प्रमोशन एग्जाम का टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के ऊपर बेस्ड रहेगा जिसमें बड़ी चीज कोर्स होंगे क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज़ हो जाएंगे नोट्स हो जाएंगे पी डी एफ तीन हजार क्वेश्चन बैंक होगा बीस मॉक टेस्ट हो जाएगा प्राइस रखा गया है दो हज़ार रुपये छः महीने की वैलिडिटी के लिए तीन हज़ार रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए पहले सवाल पाइए मिस्टर एंड मिसिज देसाई मेंटेन लॉकर विथ अस एंड ऑपरेशन आर ई और एस मिस्टर देसाई इन्फॉर्म्स द मैनेजर नॉट टू अलाउ मिस्टर देसाई टू ऑपरेट द अकाउंट इन सच ए केस वाट यू यू डू बोलता मिस्टर और मिसिज देसाई मेंटेन करते हैं लॉकर आपके बैंक के साथ ऑपरेशन जो है ई और एस में है आइदर और सर्वाइवर के मोड पे है मिस्टर देसाई इन्फॉर्म करती मैनेजर को कि मिस्टर देसाई इन्फॉर्म करते हैं मैनेजर को मिसिस देसाई को ऑपरेट ना केयर नहीं दिया जाए अकाउंट को इस सिचुएशन में इस केस में आप क्या करेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अलाउ मिस्टर देसाई टू ऑपरेट द लॉकर एज ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन आर ई आर एस आप अलाउ करेंगे मिस्टर देसाई को ऑपरेट करने के लॉकर को क्या ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन ई e आर एस है बी ऑप्शन अलाउ मिस्टर मिसिस देसाई टू ऑपरेट लॉकर ज्वाइंटली या बोलता है कि आप अलाओ करेंगे मिस्टर मिसिस देसाई को ऑपरेट करने के लॉकर ज्वाइंटली सी ऑप्शन है अलाउ ओनली मिस्टर देसाई टू ऑपरेट द लॉकर क्या मिस्टर देसाई को ऑपरेट करेंगे अलाउ करेंगे लॉकर ऑपरेट करने के लिए डी ऑप्शन आस फॉर द कोर्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेटिंग द लॉकर बोलता है कोर्ट ऑर्डर ले कैंक लॉकर ऑपरेट करने के लिए तो पहला ऑप्शन में आते हैं बोलता है मिस्टर देसाई मिसेज देसाई को अलाउ किया जाए और लॉकर ऑपरेट करने के लिए क्योंकि ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन ई और एस है नहीं तो ये नहीं हो सकता क्योंकि जब एक आदमी से शिकायत कर देता है कि अलाउ ना किया जाए तो इस केस में ये काम नहीं करेगा फिर है मिस्टर मिसेज देसाई को अलाउ किया जाए ऑपरेट करने के लिए लॉकर बट वो तो ज्वाइंटली ये बात सीख है दोनों साथ में ऑपरेट करेंगे सी ऑप्शन है अलाउ ओनली मिस्टर तो देसाई टू ऑपरेटर लॉकर ऐसा नहीं हो सकता जब आप एक बार शिकायत करते आप भी नहीं ऑपरेट कर सकते हैं डी ऑप्शन है कोड ऑर्डर फॉर ऑपरेटिंग द लॉकर ऑर्डर लॉकर ये जरूरत नहीं है कोड ऑर्डर की जरूरत नहीं है लॉकर ऑपरेट करने के लिए ठीक है सही ऑप्शन हो जाएगा बी ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर टू में आइए इन केस ऑफ एस डी वी अकाउंट्स ए ऑप्शन नॉमिनेशन इज मैंडेटरी बी ऑप्शन नॉमिनेशन इज ऑप्शनल सी ऑप्शन मिनिमम टू नॉमिनेशन आर मस्ट इन ज्वाइंट अकाउंट ठीक है डी ऑप्शन ऑल दर्क करेक्ट सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एच डी वी अकाउंट में नॉमिनेशन कराना प्योरली ऑप्शनल होता है एच डी वी क्या था सेफ डिपॉजिट वॉल्ट हम इसे बोलते हैं नॉमिनेशन कराना ऑप्शनल है को मैंनेडेट्री नहीं है बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर में आइए इफ द क्लेम अमाउंट इन केस ऑफ डिसीज्ड अकाउंट इज मोर देन रुपीज़ टू करोड़ विच इज़ द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट अगर कोई क्लेम है डिसीज़ अकाउंट को यानी कोई इंसान मर गया उसका उस पर क्लेम हो रहा है कि यहाँ पर दो करोड़ रुपये ज़्यादा है उसकी वैल्यू तो कौन सी बात सही होगी ए ऑप्शन है शुड बी वेटेड बाई बैंक पैनल एडवोकेट इसको वेट किया जाएगा बैंक पैनल एडवोकेट के द्वारा बी ऑप्शन है सर्टिफाइड बाई नोटरी नोटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए सी ऑप्शन नॉन येटिंग इफ यू डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर किसी भी प्रकार का वेटिंग करने की जरूरत नहीं जहाँ डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर में है डी ऑप्शन है सर्टिफाइड बाई गेजेड ऑफिसर गेजेटेड ऑफिसर इसको सर्टिफाई करेगा तो सही ऑप्शन है क्या अगर कोई क्लेम अमाउंट है जब डिस अकाउंट का दो करोड़ रुपये से ज्यादा का है तो उस केस में आपको बैंक पैनल एडवोकेट इसको वेट करेंगे ठीक है ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर में आइए काउंटिंग ऑफ सेटलमेंट डेज विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन काउंटिंग जो होता है सेटलमेंट डेट का स्टार्ट उस दिन से होता है जिस दिन ये ऑप्शन इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ इज गिवन और जिस दिन से आप इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी डेथ का ऑरली सी बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन अब डेथ इज गिवन इन रेटेड राइटिंग इन्फॉर्मेशन किसी की मृत्यु होगी उसको राइटिंग के फॉर्म देते हैं डी ऑप्शन सी ऑप्शन है ऑल आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ेंगी डी ऑप्शन है बैंक कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स बैंक को इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से मिल सकता है जब हम काउंटिंग करते हैं सेटलमेंट डेज का तो बेसिकली स्टार्ट तब होगा किसी के हम बोलने पे नहीं जाएंगे और किसी के लिखित रूप से भी नहीं मानेंगे जब आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो माना जाएगा ये भी ठीक है बैंक को ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस मिलते रहते हैं ये भी काम नहीं करेगा ठीक है बैंक को सोर्सेज नहीं बैंक को सारा डॉक्यूमेंट चाहिए तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर फाइव एज पर न्यू पॉलिसी आवर बैंक हैज़ कंडक्टेड ए मेन्यू इनफिनैकल इन फाइनेंस इनफिनैकल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस क्लेम मतलब जो हमारा नया पॉलिसी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है मेनू उसमें एक फ्रैकल मेनू जहाँ सेटलमेंट किया जाता है डिसिस्ट क्लेम का नया मेनू ऑप्शन दिया है क्या ए ऑप्शन डी ई डब्ल एस सी एल एम बी ऑप्शन डी ई डब्ल सी एल ए आई एम सी ऑप्शन है डी एस सी एल ए आई एन डी ऑप्शन डी ई डब्ल एस सी एल ए आई एम सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी डी डब्ल सी एल ए आई एम क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये ए क्लेमेंट हैज़ फाइल्ड डिसीज क्लेम ऑनलाइन हु विल बी एबल टू सी द स्टेटस ऑफ द क्लेम आफ्टर इट इज लॉग्ड इन फिनाइल फिनैकल मुर्ता क्लेम ने फाइल किया है डिसज्ड क्लेम ऑनलाइन तो यहाँ पर कौन दे सकता है उस क्लेम को एक बार फिनैकल में लॉग इन करने के बाद ये ऑप्शन है नोडल ऑफिसर इन जेडो एंड एच ओ ठीक है जी ओ डी भी ऑप्शन हो जाएगा द सेटलमेंट ब्रांच से ऑप्शन द क्लेमेंट डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द एबव सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो क्लेमेंट फाइल किया हुआ डिसीज क्लेम ऑनलाइन तो इसको जो एक्सेस कर सकते देख सकता है स्टूडेंसिप क्लेम जब लॉग करेंगे हम फिनाकल में तो कोई भी नोडल ऑफिसर जो होगा जरूर का वो चाहे एच ओ वी एच ओ जी ओ डी डिपार्टमेंट देख सकता है सेटलमेंट ब्रांच देख सकता है क्लेमेंट भी देख सकते हैं सारे चीज़ें सही हैं ऑल द एबव हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन हो जाएगा इफ द क्लेम इज फोर रुपीज़ फोर्टी लाख इफ द क्लेम इज ऑफ रुपीज़ फोर्टी लाख एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडिंग क्लेम फोर्टी लाख एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट द ब्रांच विल बोलते हैं जो क्लेमर चालीस लाख रुपए का है तो जो इंटरेस्ट जो होता है ब्रांच का उसको हम छोड़ दें तो क्या होगा ए ऑप्शन है आज फॉर सक्सेस सर्टिफिकेट आप बोलेंगे बी ऑप्शन है अपनोट आज फॉर सक्सेस सर्टिफिकेट बोलेंगे सी ऑप्शन है कॉल फॉर लीगल हेयर्स बोलेंगे इवन दो नॉमिनेशन इज देयर बोले लीगल हेयर को बुलाओ जब नॉमिनेशन हेयर होगा तब भी सी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन रेफरेंस टू पे एज अमाउंट इज यूज अमाउंट मना कर देंगे पे करेंगे देखिए अगर क्लेम चालीस लाख रुपये का है जब आप इंटरेस्ट छोड़ देते हैं ब्रांच यहाँ पे बोलेगा कि सीधा सीधा भाई आप हमारे लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ क्या बोलेगा आज फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट माइ इफ ए ज्वाइंट अकाउंट इफ ए ज्वाइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ ए और बी इज रनिंग विद इंस्ट्रक्शंस ई और एस एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी इज देयर मिस्टर ए डाइज अमाउंट विल पेड टू बोलता एक जॉइंट अकाउंट है जहाँ नाम है ए और बी और अकाउंट ई e और एस यानी आधे और सर्वाइवर चल रहा है नॉमिनेशन फैसिलिटी भले है नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है उसमें और ए मर जाता है तो उसका क्या होगा अमाउंट किसको पे होगा ऑप्शन नॉमिनी बी ऑप्शन सर्वाइवर सी ऑप्शन है बोथ सी ऑप्शन है बोथ नॉमिनेट सारे जॉइंटली दोनों को मिल जाएगा डी ऑप्शन है एवॉर्डिंग फॉर द डिस्प्यूट ब्रांच विल पे अमाउंट टू द लीगल हेयर्स ब्रांच डिस्प्यूट को रोकने के लिए लीगल हेयर्स को पैसा दे देगा जब अकाउंट ए और एस में होता है अगर कोई एक आदमी मर भी जाता है भले नॉमिनेशन हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है उससे कोई यहाँ पे वैसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उस केस में क्या होता है तो यहाँ पे बोलता है कि अगर अकाउंट आपका जॉइंट अकाउंट है वो ध्यान सुनिएगा जॉइंट अकाउंट है और आयदर और सर्वाइवर में और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे है तो ए मर गया अमाउंट किसको पे कर देंगे हम लोग ए अमाउंट हम लोग पे कर देंगे यहाँ पे नॉमिनी को ठीक है अमाउंट हम लोग यहाँ पे कर देंगे नॉमिनी को पे कर देंगे क्वेश्चन नाइन में आइए इज द ए इज हैविंग लॉकर एंड सेंड द की बाई पोस्ट विथ इन इंटेंशन टू सलेंडर द लॉकर बोलते एक पास लॉकर होता है ए इज हैविंग लॉकर एक पास लॉकर है और सेंड करता है की बाई पोस्ट क्या इंटेंसन होगा और जहाँ पे इंटेंसन है सिलेंडर करने का लॉकर ए ऑप्शन है बैंक विल भी डिस्चार्ज ऑफ इट सिलेब्रिटीफ बाईट कंटेंट ऑफ द लॉकर से, ले ले से बोलता है कि बैंक डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से तभी जबकि जो है कॉम्प्लीस किया जाता है जहाँ लेटर पे लिखा होगा कंटेंट जो है लॉकर का वो भी इसमें कुछ भी नहीं नील हो गया बी ऑप्शन है द लो बैंक विल नॉट बी डिस्चार्ज ऑफिस लाइब्रेट बैंक डिस्चार्ज नहीं होता अपनी लाइब्रेटी से सी ऑप्शन है बैंक शुड नॉट एक्सेप्ट बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा डी ऑप्शन बैंक कैन एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू तो इट्स राइट अंडर रिजर्व बैंक एक्सेप्ट कर सकता है ये उसके राइट के अगर अंदर में आता है तो बेसिकली अगर ए लॉकर का चाबी भेज रहा है पोस्ट के जरिए इंटेंसन ए लॉकर का सरेंडर करना करने का बैंक तभी डिस्चार्ज होगा अपनी लाइब्रेरी से जब उसमें एक लेटर लिखा रहे साइन किया रहे है लिखा रहे कि मेरे पास लॉकर के अंदर कोई भी चीज़ें नहीं है कोई भी चार्म, कुछ भी कंटेंट नहीं है इसके अंदर नील कंटेंट है अगर ऐसा लिखेगा तो बैंक हो जाएगा नहीं सही ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन में आइए मिस्टर ए मिस्टर ए इज ए नॉमिनी ऑफ डिसीज डिपोजिटर्स अकाउंट एंड ही क्लेम्स टी डी आर अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी बैंक विल पे द इंटरेस्ट बोलता है कि ए नॉमनी होता डिस डिपोजिटर अकाउंट का और वो क्लेम करता है टी डी आर अमाउंट बिफोर मेच्योरिनी ए क्या नॉमनी है जो मरा हुआ डिपोजिटर अकाउंट का टी डी आर क्लेम करता है मेच्योटी होने से पहले बैंक पे करेगा इंटरेस्ट के हिसाब से एज पर कॉन्ट्रेक्टेड रेट ऑफ द पीरियड फॉर विच डिपोजिट रिमांड विद द बैंक बोलते जो कॉन्ट्रैक्ट का रेट ऑफ है जिस रेट से डी किया हुआ था जिस पीरियड के लिए उस पीरियड के लिए डिपॉजिट जब तक तो बैंक के पास रहा होगा पे करेगा बैंक जब तक तो रहा होगा फिर एज पर एज पर प्रिवेलिंग आरओआई आर रे, ओ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डेट ऑफ डिपॉजिट का एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट पर रहेगा रिमांड बैंक विथ रिमांड बैंक जो कि लेस एप्लीकेबल पेनल्टी है बोलता है जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस डेट का एक्चुअल पीरियड होगा डिमांड रहा होगा वो और माइनस क्या करेंगे लेस एप्लीकेबल पेनल्टी अच्छा फिर सी ऑप्शन है कि जो कॉन्ट्रेट रेट ऑफ रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट है जो प्रिवेलिंग या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस डेट को डिपॉजिट होगा एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट जो बैंक के साथ है दोनों में जो भी कम होगा वो दिया जाएगा बिना कोई पेनल्टी के बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस रेट अभी जो रेट पे उन्होंने एफडी बनाया था और जो अभी प्रेजेंट रेट पे अभी एफ चल रहा है दोनों में जिसकी वैल्यू कम होगी और यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं काटा जाएगा आपको वो मिलेगा आपको डी ऑप्शन हो जाएगा बोलता है कि प्रीवेलिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा जिस रेट का डिपोजिट होगा एक्चुअल पीरियड के लिए बिना कोई पेनल्टी का बोलता है जो प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस डेट ऑफ डिपॉजिट का वही एक्चुअल पीरियड के लिए मिलेगा बिना कोई पेनल्टी के सही ऑप्शन क्या है बेसिकली यहाँ बोलते हैं जो कॉन्ट्रेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा सही ये कॉन्ट्रेक्ट रेट होगा चाहे प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में जो भी वैल्यू कम है इंटरेस्ट कम होगा वो आपको दिया जाएगा प्लस आपको बिना कोई पेनाल्टी के यानी बिना कोई मिलेगा सही ऑप्शन हो जाएगा सी ठीक है यूको बैंक का हमारे प्रमोशन एग्जाम का क्लब ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका यूको बैंक के प्रमोशन एग्जाम क्लियर है सर्कुलर्स की क्वेश्चन के नोट्स पीडीएफ में तीन चार क्वेश्चन बैंक हो जाएगा बेस् मॉक टेस्ट हो जाएगा प्राइस हो जाएगा दो हज़ार रुपये छः महीने की वैराइट तीन हज़ार रुपये लाइफ फॉर्म वैराइट के लिए जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं फोन नंबर हो जाएगा फोर टाइम्स नाइन सिक्स एट फाइव सेवन या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डीबी मेटल डॉट कॉमी एट वोट जी मेल डॉ कॉम सारा इफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है थैंक यू वेरी मच